स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ का अध्ययन किया जाता है उसका एक उचित समय आता है। जब समय नहीं हो तो चीज़ भी कम समझ में आती है, और समय आ जाता है तो हम भी मानसिक तौर से उसके लिए तैयार हो जाते हैं कि यहाँ अब हमको सीखना चाहिए। तो चूंकि अभी पूरे विश्व में कोरोना वायरस का नाम गूंज रहा है, जिसके कोरोना वायरस है या जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, यदि वो छुप भी जाता है तो सरकार उसको ढूंढ के निकाल करके एक तरफ बंद करती है, एक तरफ बंद करती है उसको। क्यों? कि ये एक ऐसी बीमारी है जो छूत की बीमारी है। छूत की बीमारी को हम कौन सी बीमारी कहते हैं और इसके कौन कौन से मेडिकल टर्म्स हैं, मैं आज आपसे सब शेयर करूंगा। अब ध्यानपूर्वक सुनना, मेरा बताने का लहजा थोड़ा विनोदपूर्ण हो सकता है, परंतु मैं बात सीरियस करूंगा आपसे, कि मुझे मालूम है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई भी एग्जामिनर आपको टेस्ट करना चाहे कि आप जब ये बीमारी चल रही थी आप जागरूक थे या सोए हुए थे। तो आप कभी ये मौका मत देना कि आप सोए हुए थे। तो आप जगते हुए रहना, इस बीमारी से भी बचना, और परीक्षा के टाइम पे भी ये आभास कराना कि जब ये बीमारी किस समय चल रही थी तो आप सोए हुए नहीं थे, आप जागरूक थे। तो मैं आपसे सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूंगा कि बीमारियों में कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, यानी छूत की बीमारी और अछूत। छूत की बीमारी का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है तो उसके संपर्क में कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है तो वो बीमारी उसके भी कूद फाद के उसके पास भी चली जाती है। उसको तो मौका मिलना चाहिए कि कोई सज्जन दिखना चाहिए उसके पास में, कूद करके चली जाती है, कूदने में आनंद आता है, उसको कूदने में आनंद आता है। अब आप यदि उसको अपने पर कूदवाना चाहें तो इसका मतलब आप जागरूक नहीं थे। तो सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है, जागरूक रहिए, जागरूक रहिए। अब जागरूक रहना पसंद करेंगे, करिए। तो पहले शब्द मैंने आपको ये सिखाया, कम्युनिकेबल, जो कम्युन हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है एक सोर्स से दूसरे स्वस्थ सोर्स पर, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो मैं सारा ध्यान जो डिजीज, आज मैं डिजीज बोलूं, आप कृपया समझना कि मैं कोरोना वायरस डिजीज बोल रहा हूं। तो कोरोना वायरस डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज है। अब आप दूसरी बात सुनिए कि वर्ल्ड होल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बीमारी को क्या घोषित कर दिया, पांडेमिक। इस बीमारी को पांडेमिक घोषित कर दिया। तो और कौन सी एक होती है, ये तो पांडेमिक हो गई, दूसरी होती है शब्द एपिडेमिक, और होता एंडेमिक। तो इन तीनों शब्दों से आपका परिचय होना जरूरी है। पान से मतलब है सर्वत्र, यानी ये जो धरती है, इस धरती का आकाश भी है, इस धरती का पाताल भी है, पर जहां जहां कोई भी इसको ले जा सकता है इस बीमारी को, तो ये जाने के लिए तैयार है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को पांडेमिक घोषित कर दिया। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कोई भी देश दूसरे देश के वासियों को अभी स्वागत नहीं कर रहा है, चाहे टूरिस्ट का हमको कितना भी नुकसान हो जाए, हमारे उद्योग धंधों का कितना भी नुकसान हो जाए, परंतु यदि हम जीना हमारा इम्पोर्टेंट है, हमारा धंधा उसके बाद में इम्पोर्टेंट है। तो जो बीमारी सर्वत्र फैले, पूरे विश्व में फैलने की योग्यता रखती हो, उसको हम बोलते हैं पांडेमिक। पांडेमिक के बाद में एपिडेमिक, एपिडेमिक भी छोटा नहीं होता है, एपिडेमिक भी छोटा नहीं होता है, एपिडेमिक भी बहुत बड़ा होता है, पूरे देश में फैल जाए तो महामारी हम घोषित करते हैं। ये पूरे विश्व के लिए, और एपिडेमिक किसी देश विशेष के लिए, हमारे देश ने भी इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको पांडेमिक कर दिया है, पान का मतलब होता है सूत्र, तो हमने भी एपिडेमिक हमारे, तो आपने देख रहा होगा कि आप भी छुट्टी मना रहे हैं, स्कूल वाले भी बच्चे छुट्टी मना रहे हैं,
ये कोई आनंद का विषय नहीं है, ये बीमारी से बिछने का है। तीसरा एंडेमिक, एक जगह विशेष पर, एक नगर विशेष पर कोई ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण वो बीमारी वहीं पर ही सीमित हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं एंडेमिक। तो आप कृपा करके इन चारों को अच्छी तरह समझ लें कि पैंडेमिक का विस्तार कितना होता है, एपिडेमिक का क्या होता है, एंडेमिक का क्या होता है, और कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है। कम्युनिकेबल का एंटोनिम देखोगे तो वो होता है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, अब उसके रिश्तेदारों को तो उसको देख करके हार्ट अटैक हो सकता है, परंतु तो किसी दूसरे को हार्ट अटैक नहीं होगा, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गए। ये आपने सीख लिया। अब दूसरे दो शब्द अभी बहुत प्रचलित है, अंग्रेजी के अखबारों में प्रचलित है, वो है क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। अच्छी तरह समझ लेना कि आइसोलेशन का मतलब है कि व्यक्ति बीमारी से, वायरस से ग्रसित है, उसको अलग थलग रखना जरूरी है ताकि ये कम्युनिकेट दूसरों को नहीं हो सके। क्वारंटाइन का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो उससे जो ग्रस्त है बीमारी से उससे उसको अलग रखना है, रखना दोनों को अलग है परंतु भावार्थ जो है वो अलग है। क्वारंटाइन का मतलब है कि व्यक्ति स्वस्थ है उसको बीमारी से बचाना है तो वो क्वारंटाइन है। बीमारी में जो ग्रसित है उसको दूसरों को उससे बचाना है वो आइसोलेशन है। तो अभी तक तो हमको आम बात है कि हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड होता है, कम्युनिकेबल डिजीज है जिनके कारण आइसोलेशन वार्ड होता है, और एक देश से दूसरी चीजों दूसरे देश में जो चीजें आती है उनका क्वारंटाइन करते हैं। जहाज को 40 दिन तक पोर्ट पर ही खड़ा रखते हैं ताकि उसमें कोई बीमारी हो तो प्रकट हो जाए तो उसके बाद में हम वैसा का वैसा कोई हमारा सुधारात्मक उपाय कर सके। तो मैं समझता हूं कि आपको फर्क पता लग गया होगा कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन में क्या फर्क है। दूसरा जो आपको सीखना है कि इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम है सीवियर, और सीवियर से नीम और करेला, करेला और नीम चटा, सीवियर के बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी का मतलब सांस लेने से संबंधित, ये बीमारी ऐसी है जो आपका गला घोट देगी, आपके ऐसे स्वस्थ तंत्र को इस तरह से कर देगी कि आपकी ऑक्सीजन लेने की क्षमता निरंतर तर 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 बहुत एक्सीलरेटेड रूप से नीचे गिर जाती है और ऑक्सीजन नहीं जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस जीव का क्या होता है। तो इसका पूरा है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और एक शब्द मैंने और सोचा कि आपको यह भी समझा दूं कि जितने भी हम महामारियों संबंधित जो अध्ययन करते हैं, जो शोध करता है अध्ययन करता है, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, उस साइंस को हम बोलते हैं एपिडेमिनोलॉजी। एपिडेमिनोलॉजी, तो आप कृपा करके इस बात को भी ध्यान रखें। अब मैं आता हूं कि कोरोना शब्द क्यों रखा। भाई कोरोना का मतलब होता है या तो ताज या सूर्य से संबंधित होता है। तो जब भी आपने देखा होगा कि सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, जब पृथ्वी पूरे सूरज को ढक लेती है तो सूरज प्रयास करता है कि मैं इसके चंगुल से मुक्त हूं, तो चारों तरफ से अपना एक छल्ला सा वो रोशनी फेंकता है और उससे हमको एक छल्ला जैसा दिखता है। तो वायरस के, इस वायरस के बारे में भी यही हालात है कि इसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यह छल्ला जैसा दिखता है और इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो इस तरह से इसके मेम्ब्रेन्स दिखते हैं जैसे कि किसी का ताज हो, किसी का क्राउन हो, ये क्राउन जैसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको नाम बड़ा बहुत शानदार दिया कोरोना। परंतु तुरंत इसको बता दिया कि तो वायरस है और इतिहास में ऐसा बताते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य जाति ने इसको पहचाना 1969 में, और उसके बाद में ये रूप कभी नहीं धारण किया इसने, जो अब दुनिया में तराई तराई मचा रखी है। सारे राष्ट्राध्यक्ष डरपोक है, डर रहे हैं, सारी पब्लिक डर रही है, उद्योग धंधे चौपट होने जा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बंद हो रही है, पूरा व्यापार बंद हो रहा है, क्योंकि जान है तो जहान है।
इसलिए सरकार कहती है कि सब इससे बचाव में उपयोग उपाय है, मास्क लगाइए, एक दूसरे से दूर रहिए और अपने आप को बचाइए। और यदि आपके भगवान की दया से या भगवान की आपके ऊपर कृपा नहीं है और आप ग्रसित हो गए हैं तो दूसरों को भी आप इसको नहीं हो ऐसा प्रयास करिए, क्योंकि आप यदि हैं, आप ग्रसित हैं तो आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, अलग थलग रखा जाएगा, आपके पास कोई नहीं जाएगा, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको जेल में बंद कर दिया हो। परंतु आपके भलाई के लिए भी है, आप भी ठीक हो सकते हैं, ठीक हुए भी हैं। और क्वारंटाइन का मतलब है कि आप क्वारंटाइन रूप में रहिए, ठीक है तो ठीक ही रहिए। तो मैं आपको आज कोरोना वायरस डी और इसका सारा असर के बारे में बताने का प्रयास किया है ना। बीमारियां तो बहुत आई है पर उसने ये विश्व रूप धारण करने वाली बीमारी अब आई है, सारे राष्ट्राध्यक्षों को हिला दिया है, सारे मेडिकल प्रोफेशन को हिला दिया है और सारे व्यापार जगत को हिला दिया है और सारे विकास के पहिए को एक तरह से थाम दिया है। इसलिए इसके बचाव में ही बचाव, इससे बचाव में ही बचाव।